कांग्रेस के एक दिन के सत्याग्रह पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी बोले, सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस जो कर रही है वो गांधी जी के सत्याग्रह का अपमान है। अतीक अहमद को लेने गुजरात की साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की गाड़ी से अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। 28 मार्च को यूपी की अदालत में होनी है अतीक की पेशी। अतीक ने किया जेल से निकलने से इनकार। न्यूज 18 इंडिया के लखनऊ अधिवेशन कार्यक्रम में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। स्वतंत्र देव सिंह बोले, अपराधी अगर पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो एनकाउंटर होगा ही। और गाड़ी पलट गई, अब कुछ भी हो सकता है, उसमें आप क्या करेंगे? अपने आप भागेंगे, स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो कुछ ना हो सकता है। मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड में पीएम ने देश को किया संबोधित। पीएम ने अंगदान की अहमियत बताई, बोले देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई है। भोपाल पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। 53 नंबर बूथ पर नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना पीएम के मन की बात कार्यक्रम। दोपहर नड्डा करेंगे बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन। लाल परेड ग्राउंड में बूथ अध्यक्षों की रैली को करेंगे संबोधित। भगोड़े अमृतपाल को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। उत्तराखंड में तलाशी अभियान फिर शुरू। पटियाला में नए हुलिये में दिखा अमृतपाल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुरुक्षेत्र की बलजीत कौर से अमृतपाल ने की थी फोन पर बातचीत। कोटवड़ में हुई बातचीत। अतीक को प्रयागराज लाए जाने से पहले न्यूज 18 इंडिया के लखनऊ अधिवेशन कार्यक्रम में यूपी के डीजीपी का बयान। डीजीपी बोले, पुलिस के ऊपर किसी ने गोली चलाई तो गोली से मिलेगा जवाब। पुलिस के ऊपर जो गोली चलाएगा तो हमारी ट्रेनिंग, हमारी सिखलाई है कि गोली का जवाब हम गोली से ही देते हैं। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए फिर एक बार न्यूज 18 इंडिया पर ही जताया भरोसा। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज